नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान विधानसभा रणभूमि में। आज हम हैं सकराय में। मेरे हाथों में आप दो लोगों देख रहे हैं, एक है सच 89 न्यूज और एक है पीडीएस न्यूज। दोनों चैनलों पर आपका स्वागत है। श्री माधोपुर विधानसभा सीट को लेकर आज हम सकराय गांव से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जानते हैं यहाँ के समीकरण, यहाँ की जनता किसको पहना रही है सर का ताज, कौन हो रहा है निराश। करते हैं श्री माधोपुर विधानसभा सीट को लेकर इन युवाओं से बात। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। विजेंद्र सिंह नाम है मेरा। विजेंद्र सिंह जी, यहाँ पर क्या माहौल है, कौन यहाँ से निकल रहा है? सी, माहौल तो अभी ऐसा है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत क्लियर पिक्चर अभी तक दिख के नहीं आ रही है। बिकॉज अभी तक तो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, बट अब जो पासा पलटते हुए दिख रहा है, हो सकता है कि बीजेपी थोड़ा सा बाजी मार जाए। 50-50% चांस लग रहा है। आई थिंक जिनका भी कमिटमेंट होगा आने वाले 5 सालों में, वो क्या करने वाले हैं, कैसे इस देश के लिए या इस एरिया के लिए या सकराय गांव के लिए वो क्या क्या काम करने वाले हैं, और उस कमिटमेंट के बेस पे हमें लगता है कि जो उन चीज़ों पे खरा उतरेगा या अभी तक खरा उतरा होगा, शायद से वो जरूर बाजी मार जाएगा इस बार। जी, आगे चर्चा करते हैं, जानते हैं, इनसे पूछते हैं। सर, आप बताएं कि जो आप पार्टी भी मैदान में है, उसके प्रत्याशी भी अशोक शर्मा, उनको लेकर क्या है, उनका कैसे क्या है इधर? देखो, वैसे जब बहुत दिनों से देश आज़ाद हुआ, जब से पार्टी बारी बारी पासा मारी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कांग्रेस, तो सभी पार्टी ऐसे कि आज तक जैसे ज़्यादा गरीबों की सहायता नहीं कर सकी। जैसे स्कूल के बारे में हो, स्वास्थ्य के बारे में हो, हॉस्टलों के बारे में हो, तो हमने इस बात निर्णय लिया है कि जैसे दिल्ली और पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी जो कार्य कर रही है, उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार से बने। तो हम इसके अशोक शर्मा जो प्रत्याशी हैं पार्टी से, तो हम चाहते हैं कि इनकी पार्टी बने और राजस्थान में आम आदमी का रहा जाए और युवाओं को भी अच्छी शिक्षा मिले, जो रोजगार मिले, इस शिक्षाओं को भी अच्छी शिक्षा मिले, हॉस्पिटलों के बारे में भी कोई अच्छी स्वास्थ्य के लिए गांव-गांव में हॉस्पिटल हो जी। तो ऐसा कोई कार्य हो तो उसमें थोड़ा जो गांव के जो हमारे जो गांव है, छोटे छोटे गांव है, वहाँ बहुत दिक्कतें आती है कि दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटलों में और कॉलेज वगैरह में बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ऐसी जैसे पार्टी कोई आए कि ऐसा सुधार करे, तो हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए और यहाँ राजस्थान का सुधार हो। जैसे कि अभी बात हुई है, नाम बताएं अपना। सचिन शर्मा। सचिन शर्मा, तो शर्मा जी, जैसे अभी इन्होंने बात की, अशोक शर्मा आप पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनको लेकर, और उन्होंने कहा कि जो जैसे कि दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ, तो क्या आप भी चाहते हो कि राजस्थान में भी ऐसा हो? यस। तो अशोक शर्मा जो आप पार्टी से प्रत्याशी हैं, इनको जानते हो या पहली बार ही सुना है? नहीं, अभी देखा, पहली बार ही है जी। तो इनको लेकर आपके क्या विचार है? इन्हीं को राजस्थान में लाएंगे। अच्छा, आप इन्हीं को लाएंगे। आपका क्या मत है सर, आप बताएं विधानसभा सीट को लेकर? हम भी ये चाहते हैं कि कोई आम पार्टी आए और विकास करे। आम पार्टी को क्यों चाह रहे हो आप? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आम पार्टी धीरे धीरे अपने छोटे छोटे रोजगार को बढ़ा रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताएं बाबूजी, नाम क्या है? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी, आपको क्या लग रहा है श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट को लेकर? जी, मैं ये लगते है कि आप अशोक देंगे, अशोक शर्मा जी के आप साथ हूँ। हाँ जी, चलो आगे करते हैं। सकराय में जो महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं, इनका क्या विचार है विधानसभा चुनाव को लेकर, पूछते हैं इनसे ही। आपकी बार पुण्य कर रहे हो वोट? मैं देंगा अशोक शर्मा ने देंगा वोट। अशोक शर्मा क्यों दोगा? अनल्या बचाऊंगा था मैं, नई पार्टी कमाए ने। अच्छा। पहले वाला कोई काम कौन करे हमारे? तो कोई भी काम? हाँ, कौन करे? उम्मीद है? हाँ, मन उम्मीद है की धनल्या बचाऊंगा था। बताओ जी। हाँ, नहीं देगा आम आदमी की पार्टी को देने चाहते हूँ और आने लिया बचाऊ था मैं भी। अब थे भी क्यों? हाँ। आने क्यों लिया बचा रहे हो? यही चावल मैं आके लिए ही कर बचाऊ था वैसा। हाँ, आप बताओ, थे कौन दे रहे हो वोट? मैं भी नहीं दूंगा आम आदमी पार्टी। हाँ, आम पार्टी से अशोक शर्मा ने। अशोक शर्मा ने थारो विचार क्या बने आंदे बाबू? विचार यहाँ बने भाई, और नहीं काम करेगा जना बे करेगा, नहीं लिया बचाऊंगा सरकार में। जो थानू उम्मीद अब है अशोक शर्मा से? आ बताओ। मैं बयान है अशोक शर्मा जी नहीं वोट दे बचाऊ था। क्यों? थे थारी थारे कहीं हो यहां को जो ध्यान दे बता रहे? जो सरकार दिल्ली में यहां चल रही है ना, वहां काम करनी चाहिए। दिल्ली की तर्ज पर दिल्ली पंजाब में? हां, वही तरह काम करना चाहिए। हमारा हेड काम कौन हो रहे हो? जो सरकार में काम कौन हो रहे है, जो नेता पे काम कौन कर रहा है? हां, थे बताओ। मैं बयान नहीं दूंगा और तो कौन कौन ने ये बताई जानी के? हां अच्छा, आ बताओ माता जी।
नहीं दे देंगे मैं भी। आप भी नहीं को पर आप है? आप तो देता रहे जम ही देंगे। अच्छा अच्छा तो चलो जैसे कि हाँ हाँ तो चलिए महिलाओं से बात की, मातृशक्ति से भी हमने बात की है सकराय में। ये भी ये कह रहे हैं कि जैसे इस गुड़िया ने बताया कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर आम आदमी पार्टी अपना कार्य कर रही है, ये भी ये चाहते हैं कि राजस्थान में भी हो, यहाँ श्रीमतपुर विधानसभा सीट पे भी ऐसा ही काम हो। इसलिए इन सब का जो मत है वो अशोक शर्मा जो आम पार्टी से प्रत्याशी है श्रीमतपुर विधानसभा सीट से, उनको जाता हुआ नजर आ रहा है। खबर में इतना ही, आप देख रहे हो सच 89 न्यूज़ और PDS न्यूज़ चैनल। थैंक यू।